वेल हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज हम आपके और मेरे फेवरेट एनिमे सीरीज वन पंच मैन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपके लिए एक छोटा सा नोटिस है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज एक बार सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप एनिमे के दीवाने हैं और आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो मैंने एक डेडिकेटेड चैनल क्रिएट किया है जहां पे मैं हर वीक एक नया एनिमे या फिर किसी एनिमे मांगा को ही कंटिन्यू करूंगा और हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वन पंच मैन हीरो एनसाइक्लोपीडिया पेज 75 के हिसाब से जो साइतामा का फेवरेट फूड है वो है हॉट पॉट। वो इसको वीक में 7 बार तो जरूर खाता है। अगला फैक्ट है कि हीरो बनने से पहले जो साइतामा है वो मेलों में जाके काम किया करता था और कन्वीनियंट स्टोर्स पे जाके भी काम करता था अपना रोजगार बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई पैसा कमाने का साधन नहीं था। तो आई होप कि ये चीजें हमें एनिमे में दिखानी जानी चाहिए थी, जिससे हमें पता लग जाता कि साइतामा का बैकग्राउंड कितना ही डेडिकेटेड और मुश्किलों से भरा रहा है। पर ये तो हो गई इसकी तारीफ। क्या आप जानते हैं कि साइतामा जैसा कंजूस और मक्की चूस बंदा और कहीं नहीं मिलेगा। इसने कंजूसी के मामले में हागीमारू को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो इसने कार्निज कबूतर को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसकी वीकली सेल मिस हो गई थी, जहां पे उसको 75% का डिस्काउंट मिलने वाला था। हाउएवर, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसने सिर्फ पैसे बचाने के लिए एक मॉन्स्टर के बालों को ही पका के खा गया था, क्योंकि इसके पास सीवीड खरीदने के लिए पैसे कम थे। और तो और, इसने जंगलों में जाकर भी शिकार किया है ताकि उस शिकार से वो अपना पेट भर सके, इसके पैसे बच जाएं। इवन दो साइतामा स्ट्रॉन्गेस्ट है और कोई भी उसके आसपास का नहीं है, लेकिन साइतामा कभी भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता है। वो हमेशा अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यूसली करता रहता है। इससे हमें पता लगता है कि साइतामा के पास डेडिकेशन बहुत अच्छा है। क्या आप जानते हैं या आपको आइडिया है कि साइतामा का जो आइकॉनिक सूट है येलो और रेड कलर का, वो उसको कहां से मिला? क्योंकि भाई इतने कंजूस आदमी के दिमाग में सूट छोड़ो उसको बनवाने का ख्याल तक नहीं आएगा। तो मैं बताता हूँ क्या होता था कि साइतामा जो है वो हमेशा एक टेलर के पास जाया करता था अपने कपड़े सही करवाने। जब टेलर रिटायर हो गए तो एक दिन साइतामा उनके पास जाता है, तब वो टेलर अपने उस सूट पे काम कर रहा होता है और वो सूट किसी के भी फिट नहीं होता है। तब साइतामा को टेलर कहता है कि एक बार तुम इसे ट्राई करो। साइतामा पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो उस सूट को पहन लेता है और वो सूट साइतामा को एकदम फिट आ जाता है। उसके बाद साइतामा उस सूट को रख लेता है क्योंकि टेलर उसे एज अ गिफ्ट दे देता है, और तब से साइतामा ने उस सूट को अपना आइकॉनिक सूट बना दिया है। अब क्या आप जानते हैं कि साइतामा की हॉबीज क्या हैं? वेल, इन टर्म्स ऑफ हॉबीज ही डजंट, बिकॉज साइतामा का दिन भर का रूटीन कुछ ऐसा है कि ट्रेनिंग करो, उसके बाद सीवीड खाओ, चाइनीज कैबेज खाओ और सस्ते प्रोडक्ट खरीदो। क्या आप जानते हैं कि साइतामा हमेशा कैक्टस से क्यों प्यार करता है? वो चाहे तो फूल भी लगा सकता है। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो कैक्टस होते हैं उनका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही लो होता है, और तो और उन्हें डेली पानी देने की भी जरूरत नहीं होती है। इस वजह से ये साइतामा की लाइफस्टाइल को पूरी तरह से शूट करता है। हम जानते हैं कि जो साइतामा है वो हीरो एसोसिएशन का 2 महीने से ज्यादा पार्ट रह चुका है और अभी भी आगे एक्सटेंड कर रहा है, पर उसकी जो रैंक है वो कैसे बढ़ी, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले साइतामा ने जब ज्वाइन किया था तब वो सी क्लास रैंक 388 था बिगिनिंग ऑफ द सीरीज। देन वो सी क्लास रैंक 342 पे जाता है सोनिक इंसिडेंट के टाइम पे। उसके बाद सी क्लास रैंक 5 मीटियोर आर्क, देन धीरे धीरे करते हुए बिटवीन किंग एंड गेरो इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर द डार्क मैटर थीव्स आर्क। उसके बाद बी क्लास रैंक 7 बिफोर मीटिंग कुगुकी, और फिर ए क्लास रैंक 39 आफ्टर द मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क। तो दोस्तों, ये थे कुछ हंसाने वाले और आश्चर्यचकित करने वाले फैक्ट साइतामा के बारे में। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। और अभी साइतामा की जो सीरीज है वन पंच मैन, इस पे काम चल रहा है न्यू सीजन के लिए। तो जैसे ही उसका कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको उस अपने न्यू चैनल पर ही इसकी अपडेट्स भी दे दूंगा। तो प्लीज एक बार उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक मजेदार वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू।